नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव शक्ति युवा मंडल द्वारा गोरेवाड़ा शमशान घाट पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों नागरिकों ने शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाया। उप राजधानी नागपुर के गोरेवाड़ा स्थित शमशान घाट पर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव शक्ति युवा मंडल के सभी पदाधिकारी सदस्यों एवं क्षेत्र के अनेकों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिव शक्ति युवा मंडल द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भव्य महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के अनेकों नागरिकों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाया। इस अवसर पर मंडल के अनिल सोनू ने सदाशिव वावनकुले, भवरलाल पालीवार, धीरज हांडे, सुरेश कालबांडे एवं भगवती सूर्यवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गोरेवाड़ा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कालबांडे ने हिंदुजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि जिस हिसाब से शमशान घाट का विकास होना चाहिए था वैसा अभी तक हुआ नहीं है। आज के आयोजन के बारे में बताइए। यहाँ के आयोजन के बारे में, शिव जी का कार्यक्रम चालू है और शिव जी का कार्यक्रम आम जनता कर रही है और यहाँ पे जो काम जो कर रहे आम जनता कर रही है और सभी लोग हमारा साथ लेके आम जनता का कार्यक्रम करके हम शिव जी का आज माँ प्रसाद है और माँ प्रसाद के कारण हम लोग सभी भक्त लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखने में ये आता है कि नागपुर शहर में सब घाट बहुत विकसित हो चुके हैं। हाँ जी, ये घाट है क्यों उपेक्षा का शिकार है? ये घाट में आज 25 साल से कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ है और कोई भी विकास नहीं हुआ है और जो भी विकास हो रहा है ये आम जनता के पैसे के वजह से हो रहा है। जो लाइटें लग रहे हैं, इतने रात को हम लोग खड़े हैं अंधेरे में है, तो ये जनता ने पूरा अपने सहयोग से पैसा लगा के ये लाइटें लगाए और जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारी जितने भी भाई लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आपस के आजू बाजू के सभी लोग सब मिलके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और ना ही यहाँ पे किसी आम पार्टी के नाम से है। तो इसका कारण क्या है कि ये यहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक लोग हैं? हाँ। और अभी तक ये घाट वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है जी। तो इसका कारण क्या, आप लोग ने कभी उसकी शिकायत नहीं की है? हमने यहाँ पे कई लोगों को कई बार शिकायत की है, हमने यहाँ पे आयोग तक शिकायत की है, महानगर पालिका को शिकायत की है, महापौर तक शिकायत की है, सभी कुछ की शिकायत की है, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये जो लाइटें हैं, जो आज के जो कार्यक्रम चालू है, आज के दिन तुमको लाइटें दिखेंगे, सब दिखेंगे, बाद में शमशान घाट जो बोलते हैं ना, ओरिजिनल शमशान घाट दिख जाएगा। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासन को? हमको हमारे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे गार्डन हुए और यहाँ पे कोई जिम का हुए और यहाँ पे जो गार्डन यहाँ पे सिक्योरिटी रहे और यहाँ पे जो व्यवस्था है ये सभी चारों तरफ से जो लाइटें हैं और जो यहाँ पे सुविधा, यहाँ पे बैठने उठने की, यहाँ कोई रोड से यहाँ के जाने की कोई योजना नहीं है और कोई अगर आया यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए भी, यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट हमको महानगर पालिका में जाना पड़ता और यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ के जन प्रतिनिधियों ने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो आप बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव चाहते हैं हम लोग यहाँ पे कि ताकि ये घाट को हम सोने के जैसा हीरा बनाए। कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? जनता जो चुनेंगी और जनता जो चाहेंगी उस हिसाब से हमको आज का तारीख का 2022 का नगर सेवक चाहिए। शिव शक्ति युवक मंडल द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भव्य महाप्रसाद आयोजन को सफल बनाने में तुकाराम मरापे, बंटी तोड़ासे, राजू पाटिल, जगन्नाथ चौके, दिलीप सोनूले उर्फ संदल, आकाश यादव, वसंता चांदोरे, संतोष पांडे, जानराव परतेकी एवं लीलाधर पोट भरे सहित क्षेत्र के सभी नागरिकों का विशेष योगदान रहा। सब नादा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर
हर कलास रहंदा भोलेनाथ जी शंबे तर मिया जो तार दसिव जी पापिया जो मार दा जी पापिया जो मार दा बड़ा ही दयाल मेरा भोले समसना रहंदा भोलेनाथ जी मापिया दे करे वो गोरा मेला च रहंदी जी मेला च रहंदी बिच समसना रहंदा भोलेनाथ जी शंकर।